नमस्कार साथियों, फादर्स डे पर आपको बहुत बहुत बधाई, पिता दिवस पर आपकी बहुत बहुत बधाई। पिता एकमात्र संसार में ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि उसकी संतान उससे बड़ी हो, एकमात्र। जब आप पैदा होते हैं तो पिता ही आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, अपने कंधों पर आपको रख कर खिलाता है, घोड़ा बनकर के आपकी सवारी करता है। जब आप स्कूल जाते हैं, पिता के पास जब पैसे भी नहीं होते हैं, तब वो फीस चुकाने का प्रबंध करता है। आपके हर ख्वाब के लिए, आपके हर सपने की पूर्ति के लिए नहीं पिता अच्छा खाता है, नहीं अच्छा पहनता है, नहीं कहीं कोई यात्रा करता है। 24 घंटा पिता आपकी इच्छाओं की पूर्ति में अपने आप को खपा देता है। यदि पिता सूर्य की तपन है तो चंद्रमा की शीतलता भी है। जिस प्रकार एक बीज जमीन में रहकर के, अंधेरे में रहकर के वृक्ष बनता है, उसी प्रकार पिता बीज के रूप में मिट्टी में गढ़ता है, अंधेरे में रहता है, वृक्ष बनकर आपको फल के रूप में देखने की कोशिश करता है। आपके हर ख्वाब के लिए वो दुनिया की हर चीज को त्यागने की कोशिश करता है। पिता आपका एक कवच है, आपकी सुरक्षा का रक्षा कवच है, अर्थात पिता एक साक्षात आर्मी है। पिता है तो आपके कंधों पर बसता है, और पिता नहीं है तो आपके कंधों पर कचरे का कट्टा है। ध्यान रहे पिता की समस्त तकलीफ, पिता धूप में रह करके आपके लिए घर बनाता है कि आप छांव में सो सकें। पिता ही वो शख्सियत है जो आपको हमेशा देखता है खुशी के लिए। पिता की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आप जब सो रहे तो आपको उठा दे। पिता हमेशा तड़पता है तकलीफ में कि आपके सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। पिता हमेशा रोता है अकेले में कि आप बड़े बनेंगे या नहीं बनेंगे। पिता हमेशा तकलीफ भोगता है कि आपको कोई ठोकर नहीं लग जाए। पिता हमेशा चिंता में डूबता है कि आपको कोई बीमारी नहीं सता जाए। पिता जिंदगी भर आपके लिए जीता है, इसीलिए आपका फर्ज बनता है फादर्स डे पर अपने पिता के साथ बैठ करके अपने सपनों की अच्छी सी मंजिल को आप पिता को समझा सकें। इसलिए ध्यान रखना अपनी जिंदगी में कि सबसे बड़ा पाप अपने पिता को कभी आप एक पल के लिए, एक क्षण के लिए कभी दर्द मत देना, और कोशिश करना अपने माता पिता के सभी सपनों की पूर्ति के लिए। तभी आप फादर्स डे को मना पाओगे और हर इच्छा आपकी पूरी हो पाएगी।